काउंटिंग में ये दुकानें 56 होती हुआ करती है, तो 56 दुकानें हुआ करती थी, तो वो रूटीन में आ गया एक 56 और खाने से रिलेटेड होके 56 भोग हुआ। इंदौर शहर के जितने टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं वो इस बाजार में हैं। ये पहला ऐसा बाजार है जो डिस्पोजेबल फ्री है, ये पहला ऐसा बाजार है जिसका नवीनीकरण स्मार्ट सिटी ने करा, एक मॉल के फूड हब जितना ही अपना ऑथेंटिक रखता है। सर ये बताइए, हम इंदौर में खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर आते हैं तो वो एक बात का जिक्र करते हैं कि आप 56 जरूर जाइएगा, तो हम 56 आ गए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसका नाम 56 क्यों पड़ा है, 56 दुकान क्यों पड़ा है? सर जनरली तो वैसे ही ये तिलक मार्केट था, पर चूंकि काउंटिंग में ये दुकानें 56 होती हुआ करती है, तो 56 दुकानें हुआ करती थी, तो वो रूटीन में आ गया एक 56 और खाने से रिलेटेड होके 56 भोग हुआ, तो 56 दुकान ही हो गया, उसका नामकरण ही 56 दुकान हो गया। अदरवाइज तो ये पहले नगर निगम का तिलक मार्केट था, ये तिलक मार्केट हुआ करता था। यहाँ पे कई सारे लोगों से जब मैंने बात की तो बार बार आपका जिक्र कर रहे थे कि आप ही हैं जिन्होंने इस मार्केट को इतनी पहचान दिलाई। सर तो ये कैसे हुआ ये सब? मैं तो नहीं हूँ सर, ये मार्केट की एक खासियत है कि इंदौर शहर के जितने टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं वो इस बाज़ार में हैं और वो अपनी एक लाइकियत स्टार्टिंग से रखते थे। हम लाइकियत तो काफ़ी रखते थे, प्रमाणिकता पर हम लोग FSSAI के क्लीन स्ट्रीट फूड हब हुए, हिंदुस्तान का ये सेकंड क्लीन स्ट्रीट फूड हब था, जिसने FSSAI ने हमें ये प्रमाणित किया कि हम हाइजीन लेवल पे हाई लेवल पे हैं। तो ये पूरा बाजार अपनी विशेषताओं के साथ में था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इतना मजबूत नहीं था कि जिस कदर से नाम होना चाहिए वो नाम न मिल पाता था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसके बाद दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन बना कि खाने की क्वालिटी, हाइजीन और गुणवत्ता के साथ में जब हम लोग इस एटमॉस्फेयर को लेकर आए तब हम लोग कहलाए कि 56 दुकान वास्तव में एक 56 दुकान है। और फिर आप लोगों ने इसको ऐसा बना दिया कि शाम को इंदौर का युवा यहीं आके बैठता है, यहीं खाता पीता है, यहीं अपनी मस्ती करता है। बिल्कुल, ये शहर का एक पहला ऐसा बाजार था जो नो व्हीकल जोन है, ये पहला ऐसा बाजार है जो डिस्पोजेबल फ्री है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा चाट चौपाटी जो बिना डिस्पोजेबल के चले, एक आश्चर्यजनक बात थी कि हम पेपर का डिस्पोजेबल भी यहाँ पर उपयोग नहीं करते। ये पूरी जो क्रॉकरी है धुल के फिर से काम में होती है और यही एक उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके कारण जो बाजार में पूरा कचरा होना था वो कचरा पूरा खत्म हो गया। ये कैसा बाजार है जिसका खुद का अपना कंपोस्ट प्लांट है, जो हम वेट वेस्ट निकालते हैं उसको कंपोस्ट करके उसकी खाद भी हम ही बनाते हैं। ये कैसा बाजार है जिसने अपनी खुद हाउसकीपिंग रखी, हमारा खुद का हाउसकीपिंग है जो पूरी साफ सफाई करता है और गार्ड की व्यवस्था है जिसके ऊपर 18 लाख रुपया खर्चा आता है। इतना खर्चा करते हैं आप लोग? 18 लाख रुपए साल का खर्चा। पैसे कौन देता है? ये पूरा हमारी एसोसिएशन ही देती है, पूरा व्यापार मंडल मिलकर देता है इसको। जी हाँ, ये पहला ऐसा बाजार है जिसका नवीनीकरण स्मार्ट सिटी ने करा, पर हमने इसका बेटरमेंट चार्ज दिया। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट बने उसका पहला ये बाजार था जिसने बेटरमेंट चार्ज दे के इसका नवीनीकरण किया है। तो हम लोग अपनी विशेषताओं को लेकर बैठे और ये एक से एक जब पूरा व्यापारी मिला तब जाके हम एक ताकत बन के इस तरीके से इंदौर में नाम कर पाए। अच्छा, हम तो घूम रहे थे पूरा मार्केट, तरह तरह की वैरायटी दिख रही है यहाँ पे खाने पीने की, और चूंकि हम लोग नोएडा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, चांदनी चौक का भी मार्केट देखा है हमने, स्ट्रीट फूड वहाँ भी है। स्ट्रीट फूड को लोग बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, जो एकदम अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो स्ट्रीट फूड को उस तरीके से नहीं देखता है, नहीं कंज्यूम करता है। लेकिन मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, जो भीड़ देख रहा हूँ, इसमें अपर मिडिल क्लास भी दिख रहा है, थोड़ा अपर क्लास भी दिख रहा है, लोअर मिडिल क्लास भी दिख रहा है। कैसे मेंटेन किया आप लोगों ने इस चीज़ को? सर उसका कारण है कि एक स्ट्रीट फूड का होना तो अपने आप में बराबर होता है, पर एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब का होना अपने आप में एक विशेषता लेके होता है। हम लोग क्लीन स्ट्रीट फूड हब में हैं, मतलब हम लोगों का हाइजीन लेवल का रेटिंग होता है, हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, हमारे फूड हैंडलर का ट्रेनिंग होता है, हमारे फूड के शेफ का हेड ट्रेनिंग होता है, और बाज़ार को हाइजीन के साथ में किस तरीके से चलाना,
ये पूरा ट्रेनिंग लेके एक सर्टिफिकेट हमने लिया है और वो ही कारण है कि इस बाज़ार को उतनी मान्यता मिली है कि स्ट्रीट फूड हब है, बट एक मॉल के फूड हब जितना ही अपना ऑथेंटिक रखता है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने 56 दुकान के बारे में बताया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है 56 दुकान के बारे में, बार बार जिक्र भी होता है, तो आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। तो 56 दुकान के बारे में आपने बार बार कई बार अलग अलग नेताओं के मुंह से सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मुंह से सुना होगा, इसकी खासियतें लेकिन आप नहीं जानते होंगे, तो हम कोशिश कर रहे थे अपने तय इस बात को बताने की कि आखिर ये जो 56 दुकान है ये इतनी मशहूर क्यों है।